तो भाई लोग, ये क्या हो गया दोस्तों? वार टू के अंदर रोज़ एक नया अपडेट दोस्तों। अब इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई वार टू के अंदर जॉनी इब्राहिम का भी कैमियो होने वाला है दोस्तों, शाहरुख खान का कैमियो होगा, सलमान खान का कैमियो होगा, जॉनी इब्राहिम का कैमियो होगा, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो जूनियर NTR को लोग विलन बता रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं हीरो है दोस्तों। क्या मसला चल रहा है इस वीडियो में बात करेंगे, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ, कन्फर्म आपको बताने वाला हूँ कि भाई शाहरुख खान का कैमियो है, जॉनी इब्राहिम का कैमियो है, सलमान खान का कैमियो है, इस तरह की बातें बताई जा रही है। बाकी आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए चैनल सपोर्ट करें दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो गाइस इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई किंग मूवी के अंदर, सॉरी दोस्तों, वार टू मूवी के अंदर पहले बताया जा रहा था कि भाई शाहरुख खान का कैमियो है दोस्तों, 100% बताया जा रहा था कि भाई शाहरुख खान का कैमियो है। अब दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों, इस तरह की सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि भाई जॉनी इब्राहिम का वार टू के अंदर कैमियो होने वाला है दोस्तों। क्योंकि भाई दोस्तों ये भी हो सकता है कि भाई शाहरुख खान एक एक्टर है, मतलब हीरो का किरदार प्ले करे, पठान मूवी में जॉनी इब्राहिम ने जो किरदार जो प्ले करा था वही वो विलन का करा था। हो सकता है दोस्तों विलन का भी कहीं ना कहीं दोस्तों छोटा मोटा कैमियो, भाई ऋतिक रोशन कहीं के दोस्तों मिशन पास कर रहे हो, फाइट करो, अचानक से भाई एक चेहरा दिख जाए कि भाई मूवी के अंदर कि भाई मतलब बड़ा विलन, जैसे कि कई सारे विलन होते थे कि जैसे कि वार टू का अलग विलन होगा, पठान टू का अलग विलन होगा, पठान का अलग विलन है, और दोस्तों Tiger 3 का अलग विलन है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है भाई कहीं ना कहीं विलन का भी कैमियो होने वाला है वार टू के अंदर, यानी कि शाहरुख खान का कैमियो तो अलग है और जो विलन का कैमियो होगा जॉनी इब्राहिम के द्वारा वो वार टू में अलग है, और इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कहीं ना कहीं जैसे कि भाई कोई विलन होगा, विलन के साथ दोस्तों भाई जॉनी इब्राहिम भी देखने को मिल जाएगा भाई, मतलब पठान टू मूवी के लिए एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा, यानी कि पठान टू मूवी में भी जॉनी इब्राहिम दोस्तों विलन हो सकते हैं दोस्तों। भाई जब पठान मूवी में भाई जब जॉनी इब्राहिम ऊपर से गिरा था तो गाइस कहीं ना कहीं लटका हुआ दिखा देंगे दोस्तों, इस तरह का भाई कैमियो हो सकता है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी 100% पठान जब वार टू मूवी में शाहरुख खान का कैमियो होने वाला, ऐसा कैमियो होने वाला है कि भाई जो थिएटर है वो फट जाएंगे दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। आप चाहे वार टू मूवी अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन कैमियो में दोस्तों भाई सब देखेंगे, कैमियो के चक्कर में भाई पूरा थिएटर भरा रहेगा, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। और इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि भाई सलमान खान का लास्ट में कैमियो होगा, भाई ये सच है या झूठे मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। भाई शाहरुख खान का तो बीच में कैमियो होगा, ऋतिक रोशन कहीं पर फंस जाएंगे, उसे उड़ाकर दोस्तों वहाँ से, मतलब वहाँ से छुटा छुटा कर, जैसे कि होता है दोस्तों पठान में और Tiger 3 में होता है, इस तरह का कैमियो होगा। वैसे दोस्तों लास्ट में फिर से दोस्तों भाई जब, मतलब इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई Tiger 3 यानी कि सलमान खान का लास्ट में कैमियो होगा, ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, बाकी मूवी आने के बाद पता चलेगा या कुछ दिनों बाद जब इसका ऑफिशियली अपडेट आएगा जब जाके पता चलेगा, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी वार टू के बारे में बात करें दोस्तों, ऋतिक रोशन जूनियर NTR लीड रोल के अंदर हैं और जूनियर NTR दोस्तों उसके अंदर विलन बने हुए हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। बाकी कई सारे लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। बाकी इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले अयान मुखर्जी, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र मूवी डायरेक्ट करी थी, बाकी ये मूवी एक्शन थ्रिलर हॉलीवुड लेवल की मूवी होने वाली है, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों। उसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं वो हॉलीवुड के जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं उन्हें टक्कर देने वाले हैं भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी ये मूवी एक वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स मूवी हो रही है, बाकी इसके अंदर शाहरुख खान का कैमियो है, सलमान खान का भी कैमियो हो सकता है लास्ट के अंदर। बाकी दोस्तों ये मूवी 2025 के अंदर जनवरी के मौके पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अब वार टू के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, जॉनी इब्राहिम के बारे में, सलमान खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ऋतिक रोशन के बारे में, जूनियर NTR के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल सपोर्ट करना भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो।